Don't forget to subscribe my channel and must press the bell icon to get all notification of new videos. Thank you so much. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Art with Maha Muzammil once again. आज जो हमारा लास्ट मेजरमेंट्स का लेसन था उसको कंटिन्यू करेंगे. काफ़ी दिनों बाद उसका न्यू पार्ट जो है वो अपलोड करें, उसके लिए सॉरी. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आगे टेस्ट देना है, फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना है, तो उनको थोड़ी सी लाइव स्केचिंग के बारे में, स्टिल लाइव स्केचिंग के बारे में जो है अभी आइडिया नहीं हो रहा है. वो बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो उनके लिए ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे फर्स्ट लेसन जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे, इसी मेजरमेंट्स का जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट पार्ट है, उससे आप स्टार्ट करें, ताकि उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं जो स्टार्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी स्टिल लाइफ या कोई भी स्केच बनाने से पहले. तो लास्ट टाइम जो हमारी ड्राइंग थी, हमने जो सिलेक्ट की थी वो ये तीन चीज़ें थी, ठीक है. उसमें से हमने जग की मेजरमेंट लेके जग को बना लिया था. लेकिन अभी भी मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लेकिन आप फिर भी फर्स्ट लेसन जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल से बताया गया है कि जब भी आपने कोई भी स्टिल लाइफ बनानी है या कोई भी लाइव स्केचिंग आपने करनी है, तो उसमें आपने पूरी स्टिल लाइफ या पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, चीज़ों के अंदर सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो जग है, तो उसकी जो लेंथ है, अगर ये जग की जगह कोई और पोर्ट भी होता और अगर वो चौड़ाई में ज्यादा होता, तो हम पहले उसकी चौड़ाई वाली जो लाइन है उसको लेते, देन उससे हम सारी मेजरमेंट करते. तो हमने यहाँ पे सबसे बड़ा जो पोर्ट ऑब्जेक्ट था वो जग था. तो जग की जो लेंथ है वो सब की लेंथ, सब पोर्ट्स की, सब ऑब्जेक्ट्स की लेंथ से ज्यादा है. तो इसलिए सबसे पहले जो हमने मेजरमेंट के लिए लाइन सेलेक्ट करनी है वो है जग की लाइन, क्योंकि वो सबसे बड़ी है. तो पूरे स्टिल लाइफ में, इन शॉर्ट, जो सबसे बड़ी चीज होती है, उसकी जो सबसे बड़ी लाइन होगी या सबसे बड़ी मेजरमेंट होगी, उसको आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बाकी की मेजरमेंट्स के लिए. अभी तो ये इस तरह से मेजरमेंट हो रही है कि आपकी जो स्टिल लाइफ है, आपकी जो ड्रॉइंग है वो एक बहुत बड़ी है, तो आपने उसको छोटे पेज पर जो है वो कन्वर्ट करना है. तो उसमें ये चीज आ जाती है कि आपने अपने लिहाज से उसकी जो मेजरमेंट करनी थी वो कर ली, ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज वही लाइंस, एज इट इज वही चीजें वहां पर कॉपी करें, क्योंकि अगर मैं इसको वैसे मेजर करूं तो ये, अगर क्योंकि यहां पर जो मेरी लाइन है वो इस पेंसिल के एंड तक, यहां तक है, तो अगर इस लाइन को मैं मेजर करूं तो ये तो जग के हाफ से आती है. तो ये चीज मैंने आपको दिखानी थी कि अगर आप लोगों का पेज छोटा है या आपकी लाइन आपकी जो जगह है, आपका ड्राइंग बोर्ड या आपकी स्केचबुक छोटी है और पॉट बड़ा है, तो आप जो है वो अपनी लाइन को अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. मेजरमेंट्स आपकी इक्वल रहनी चाहिए, मेजरमेंट्स यहां से बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, यहां पर आप अपने तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं. अभी जो है वो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को डबल लाइन के साथ नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं दो दो लाइन्स का आपको बताती तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता आप लोगों को, इसलिए अभी मैंने इजी तरीके से बताया. तो अब लेसन को स्टार्ट करते हैं. यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जो एप्पल है वो जग के हाफ से, मतलब जो हाफ हमारा बन रहा था उससे थोड़ा, जो हाफ एंड हाफ हमने लाइन को डिवाइड किया था. ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स ने बार बार किया था कि कौन सी लाइन को हाफ करना है और फिर उसको कैसे हाफ करना है. यहां पे मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को, ये फुल जग की जो मेजरमेंट थी, जो हमारे पेज के लिहाज से मैंने ली थी अपने अंदाजे से, ठीक है, वो ये लाइन थी. इस लाइन को मैंने हाफ में डिवाइड किया, उस हाफ को अगेन मैंने हाफ में डिवाइड किया. आप लोगों के लिए मैं यहां पर लिख देती हूँ, आप लोग भी मेंशन कर सकते हैं. ये हाफ लाइन थी और उसको फिर मैंने अगेन यहां पर जो एक पॉइंट है, अगेन हाफ इन हाफ लाइन में डिवाइड किया. ये फुल लाइन थी जो पूरी जग की मेजरमेंट थी, उसको फिर मैंने हाफ में डिवाइड किया और उसको अगेन मैंने हाफ में डिवाइड किया. तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो एप्पल, मीन जो हमारी स्टिल लाइफ का एप्पल है, वो उसके हाफ से भी हाफ,
जो उसका थर्ड पार्ट है या फोर्थ पार्ट कहते हैं, क्योंकि अगर आपने इधर से भी हाफ किया है, फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसका जो फोर्थ पार्ट है उधर तक उसकी एप्पल की जो है वो लेंथ है। और अब उसकी लेंथ को हम देख लें तो माइनर सी, बहुत थोड़ी सी जो है एप्पल की लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा उसकी चौड़ाई है। यहां पर हम अपने दोबारा से स्केचबुक की तरफ चलते हैं। जबकि हाफ, जबकि हाफ लाइन से अगेन जो हमने हाफ यानी कि उसका फोर्थ पार्ट या थर्ड पार्ट कर दें, अगर आपने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये इसका थर्ड पार्ट बनेगा, अगर आपने इस ऊपर वाले एरिया को भी हाफ में डिवाइड किया तो ये आपका फोर्थ पार्ट बनेगा। तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा एप्पल। कि जग की यहां से थोड़ा सा हमने इसको ज्यादा किया है क्योंकि उसका शेडो वगैरह भी आएगा, लेकिन अगर आप इसको इक्वली भी करना चाहें तो आप इक्वली ही ड्रॉ करें, बल्कि इक्वली ही रहने दें, फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो हम अपने अंदाजे से उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो एप्पल की फुल लेंथ थी उसका जो उसकी विड्थ है वो उसके पूरी लेंथ से माइनर सी ज्यादा है, यानी कि जबकि जो हाफ लाइन थी, सॉरी हाफ एंड हाफ लाइन थी, उससे थोड़ी सी ज्यादा हम उसकी चौड़ाई बना लेते हैं। तो यहां पर हमें एक अपने एप्पल की मेजरमेंट है। अब जो मैं ये मेजरमेंट मैंने स्टार्ट की है ये एप्पल की मेजरमेंट है। आप मेंशन भी कर सकते हैं कि कौन सी लाइन जो है वो कौन सी मेजरमेंट किस चीज की है। ये जग की है तो आप इसको जग पे रहने दें, आप मेजर कर सकते हैं कि ये जग की है, आप यहाँ पे एप्पल लिख सकते हैं, ये मेजरमेंट जो है वो एप्पल की मेजरमेंट है। जब अगेन हम फोर्थ की मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम यहाँ पर जब मेंशन करेंगे तो उसके ऊपर भी हम अपना अपनी आसानी के लिए आप लिख सकते हैं कि ये फोर्थ की मेजरमेंट है, ये जग की मेजरमेंट है और ये एप्पल की है। तो ये एप्पल की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। एग्जैक्टली जो एप्पल की टोटल लंबाई थी वो इतनी थी और उससे थोड़ी सी ज्यादा माइनर सी ये उसकी चौड़ाई। तो अब हम इसको अपने पेपर पे किस तरह से ऐड करेंगे उसके लिहाज से मैं आप लोगों को बताती हूं। अब जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, क्योंकि एप्पल इस तरह से आएगा तो इसकी जो सबसे पहले हमने काम करना है इसकी चौड़ाई को हमने हाफ में डिवाइड करना है। ये फुल लाइन, अभी इस पॉइंट को आप रहने दें, ये जो इसकी फुल लाइन है ये इसकी चौड़ाई बन रही है। अब हम इसको यहां से हाफ करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल हाफ है और जो इसका सेंटर पॉइंट बन रहा है वो बिल्कुल जग के कॉर्नर से बन रहा है, यानी कि जग का जो कॉर्नर है वहां से एप्पल का सेंटर पॉइंट होगा, यहां से। ये हमने एप्पल का पॉइंट लगाया एक और ये दूसरा पॉइंट, इसी को अगेन मेजरमेंट करके हम इसकी हाफ एंड हाफ लाइन को यहां से रेज कर देते हैं ताकि एप्पल की जो इस साइड पे आप लिख लें हाफ एंड हाफ। ये हमारा एप्पल का बॉक्स रेडी हो गया। लेंथ हमने अभी मेजर करनी थी, वो उसकी हाफ एंड हाफ, जो लेंथ इसकी हाफ एंड हाफ पे थी तो लेंथ को भी हम अगेन यहां से यहां तक ये एप्पल का बॉक्स रेडी हो गया। ये एप्पल का बॉक्स है, ये इसकी लंबाई आ गई और ये है इसकी चौड़ाई, इसके भी थ्री पॉइंट्स होते हैं, वन टू, इसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आप देख लें, मेजर कर लें, लेंथ इतनी है और विड्थ
मीन जो चौड़ाई है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था। अब साथ ही मैं आप लोगों को पोर्ट की भी मेजरमेंट्स कर देती हूँ, ड्राइंग फिर हम अलग से कर लेंगे क्योंकि फिर लेसन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। अब पोर्ट भी जो है वो भी इसके हाफ एंड हाफ पार्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। अब जो पोर्ट की लेंथ है वो छोटी है और जो विड्थ है वो ज्यादा है, यानी कि जो जग की इसकी अब हम यहां से मेजर करेंगे कि पोर्ट की जो विड्थ है वो कितनी है जग की लंबाई, जो जग की लेंथ है उसके हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ी जो लाइन थी वो जग की ही थी जो हमने स्टार्ट में लगाई थी। तो यहां पर पोर्ट की लाइन सबसे जो विड्थ में है वो ज्यादा बड़ी है, चौड़ाई में ज्यादा बड़ी है, तो हम पहले उसी को मेजर करेंगे। तो ये आ रही है इसके हाफ से थोड़ी सी कम, मतलब जो इसका हाफ पॉइंट था जग का हाफ पॉइंट, यहां पर मैंने पॉइंट लगाया हुआ था, जो जग का हाफ पॉइंट आ रहा था उससे थोड़ी सी कम है इसकी पोर्ट की चौड़ाई। तो हम यहां पे अपने पोर्ट की लेंथ को स्टार्ट करते हैं। ये फुल लेंथ जो थी वो जग की थी, फिर हमने इसको हाफ में डिवाइड किया यहां तक, और अब हमने ये देखना है कि हमारी जो पोर्ट की चौड़ाई थी वो हाफ से थोड़ी सी ज्यादा थी। तो हाफ से थोड़ी सी ज्यादा ये लाइन बनती है, हम इसको कर लेते हैं, इसको आप यहां से रिलीज करके उस साइड पे लिख लें ताकि आपकी मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम ना हो। ये हाफ लाइन थी, अब ये जो लाइन है वो पोर्ट की है, ये जो लाइन आ रही है यहां से यहां तक, यहां मैं इसको डिफरेंस जो है आपको दिखा देती हूं, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा यहां से लेके यहां तक पोर्ट की चौड़ाई है। अब इसको भी अगेन हम हाफ में डिवाइड कर देंगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जब आप इसकी विड्थ और इसकी बाकी की चीजें मेजर करेंगे तो इसमें ये हाफ लाइंस और ये जितनी भी हमने इनको जितने पार्ट्स में डिवाइड किया होगा हमारा स्केच करने में उतनी ही हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आप इसकी लंबाई जो है वो देख लें, पोर्ट की फुल लंबाई चौड़ाई जो है उसके उसके हाफ पे इसकी लेंथ बन रही है। मेजरमेंट आपकी जो है हाफ की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए लाइन के ऊपर, अगर आपकी लाइन के ऊपर मेजरमेंट ठीक है देन आप अपनी ड्राइंग और स्केच के ऊपर भी आपकी मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होंगी। इसको पोर्ट की जो लाइन थी उसको अगेन मैंने हाफ में डिवाइड किया है और उसकी लाइन को अगेन मैं हाफ में डिवाइड कर देती हूं। ये इसका हाफ पॉइंट है और ये इसका हाफ एंड हाफ पॉइंट है। अब आप ये देखते होंगे कि अब जो इसकी चौड़ाई बन रही है या इसकी लेंथ बन रही है उसको मैंने अगेन हाफ में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जब हम पोर्ट की सेंटर लाइन लेंगे तो जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो सेंटर पॉइंट आता है उसके इस साइड पे भी इक्वल चीज होनी चाहिए और इस साइड पे भी इक्वल चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंटर लाइन इस साइड पे है और आपका आधा आधे से ज्यादा पोर्ट इस साइड पर हो जाए और आधे से मतलब या इस साइड पर हो जाए, तो इसलिए ये बार बार मैं हाफ में डिवाइड इसलिए करती हूं ताकि मैं उसको इक्वली मेजर करके बना सकूं। जो पोर्ट है वो भी हमारे एप्पल की सेंटर लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारा पोर्ट स्टार्ट होगा वो भी एप्पल की सेंटर लाइन से ही स्टार्ट होगा। तो इसकी लंबाई पूरी लंबाई ये थी, मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूं पूरी लंबाई ये थी। तो अब हम इसका सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए इसको यहां से मेजर करेंगे हाफ से और एप्पल की सेंटर लाइन से, क्योंकि जो हमारा पोर्ट स्टार्ट हो रहा है वो भी एप्पल के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर भी
हमारी मेजरमेंट होगी वो हम इसको यहाँ पर भी करेंगे। ये हमारा बन गया सेंटर पॉइंट, ये वाला। आप लोगों के लिए जो स्केच है वो थोड़ा सा डार्क लाइंस के साथ बना रही हूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही लाइट पेंसिल के साथ बनाने हैं। ये बॉक्स यहां से यहां तक, पॉट का है। ये बॉक्स यहां से यहां तक, एप्पल का है। तो अब हम इनकी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेसन में करके दिखाऊंगी, कि लेसन काफी लेंथी हो गया। तो अगर अभी आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेजरमेंट्स जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से आ जाए तो आप लोगों की जितनी भी ड्राइंग है, स्केचिंग है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को इस लाइन्स के बारे में दोबारा बता देती हूं। ये फुल लाइन थी यहां से यहां तक, जबकि फिर उसको हमने यहां से हाफ में डिवाइड किया, देन उस हाफ को अगेन हाफ में डिवाइड किया। मैं यहां पर आप लोगों को कलर चेंज करके पेन के साथ बता देती हूं। यहां से यहां तक जो लाइन थी ये जग की मेजरमेंट थी, उसको फिर हमने हाफ में डिवाइड किया और उस हाफ को अगेन डिवाइड किया हाफ। ये जग की लेंथ थी। लेंथ हमने इसलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि सारी स्टिल लाइफ के अंदर सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्ट था या सबसे बड़ी जो लाइन थी वो जग की लेंथ थी। ठीक है, उसके बाद हमने एप्पल की जो मेजरमेंट्स ली वो हमने यहां से देखा कि जग की जो हाफ एंड हाफ लाइन है एप्पल उससे थोड़ा सा ज्यादा है। जो हाफ एंड हाफ लाइन बन रही थी जग की, एप्पल की जो लंबाई थी वो उससे थोड़ी सी ज्यादा थी, तो हमने यहां पर एप्पल की जो लेंथ है, बल्कि लेंथ जो थी उसकी, आई एम सो सॉरी, लेंथ उसकी बिल्कुल हाफ एंड हाफ एरिया पे थी। जग का जो हाफ एंड हाफ मीन जो थर्ड पार्ट बन रहा था इस लाइन के लिहाज से, एप्पल की लेंथ उसकी हाफ एंड हाफ पे थी। तो ये एप्पल की लेंथ की हमने लाइन ली। उसके बाद जो एप्पल की चौड़ाई थी वो उसके हाफ एंड हाफ से थोड़ी सी ज्यादा, यानी कि एप्पल की जो लंबाई थी उससे थोड़ी सी ज्यादा एप्पल की चौड़ाई आ रही थी, तो हमने उसकी अंदाजे से यहां पर उससे थोड़ी सी ज्यादा जो है वो लाइन लगा ली उसकी चौड़ाई के लिए। देन हमने उसकी चौड़ाई से एंड तक उसको हाफ पे डिवाइड किया, क्योंकि हमें उसकी जो विड्थ थी उसको हमने यहां पर बॉक्स बनाने के लिए इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना था। देन जो पोर्ट की ड्राइंग आती है वो भी जग के हाफ एंड हाफ एरिया पे, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो बिल्कुल हाफ एंड हाफ एरिया पे आती है जग के, लेकिन उसकी चौड़ाई ज्यादा लंबी थी इसलिए हमने उसकी जो चौड़ाई वाली लाइन है उसको लिया मेजरमेंट्स के लिए। क्योंकि जब भी आपने कोई भी पोर्ट ड्रॉ करना है या कोई भी ड्राइंग करनी है, तो पोर्ट की या स्टिल लाइफ की या कोई भी चीज आप बना रहे तो उसमें से जो सबसे बड़ी लाइन आती है उसकी आपने सबसे पहले मेजरमेंट करनी है बाकी मेजरमेंट्स के लिए। तो हमने यहां पर पोर्ट की चौड़ाई की लाइन ड्रॉ कर ली, उसको हाफ में डिवाइड किया एंड देन अगेन हाफ में डिवाइड कर लिया। उसी तरह से जैसे हमने एप्पल का बॉक्स बनाया था, इसी तरह हमने अपने पोर्ट का भी बॉक्स बनाया। यहां से यहां तक हमारे पोर्ट की ड्राइंग है, पोर्ट का बॉक्स है, यहां से यहां तक हमारे एप्पल का बॉक्स है।
आई होप कि आप लोगों को ये लेसन आज अच्छी तरीके से समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो। ड्राइंग हम इसकी जो स्केचिंग है वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या एंड ऑफ द वीडियो आपको कार्ड मिल जाएंगे। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए अगर आप लोग स्टार्ट से फाइनेंस की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फ्री फाइनेंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से एक प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, आप उसको क्लिक करके सीजन वाइज सारे लेसन देख सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक है, अगर अच्छी फीडबैक है या बुरी फीडबैक है, जो भी आप कहना चाहें उसके बारे में कह सकते हैं, मेरे चैनल से रिलेटेड, मेरे ग्रुप से रिलेटेड, या कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। सो अब अल्लाह हाफिज करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आप लोगों को उसकी ड्राइंग और स्केचिंग के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, देन हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।